टीवाई बीकॉम सेम सिक्स बी ए ना मोस्ट आईएमपी प्रश्नों आज आप जुवाना छे। पहलू विभाग एक माल सामग्री संचालन में 30% पूछाशे एटले के 15 मार्क्स नो। एमां चेप्टर नंबर 1 नी वात करिए तो माल सामग्री संचालन नु महत्व समझाओ अने माल सामग्री संचालन नु कार्यक्षेत्र, बे सवाल तमारे करवाना छे। चेप्टर नंबर 2 संगीन खरीदी नु महत्व समझाओ अने संगीन खरीदी ना सिद्धांतो समझाओ। चेप्टर नंबर 3 एम आप जो केन्द्रित खरीदी फायदा और मर्यादा और खरीदी जुदी जुदी पद्धति समझाओ। खरीदव के बनाव निर्णय ने असर करता परिबों की चर्चा करो और विकेन्द्रित खरीद नीति फायदा ने मर्यादा समझाओ। चेप्टर नंबर 4 की बात करें तो माल सामग्री अंकुश एट के कोठार अंकुश, एम एक सवाल है माल सामग्री अंकुशन महत्व। त्यार पछी विभाग बी की बात करें तो उत्पादन संचालन, एम 40% पूछाशे। 40% ए 50 ना 40% ए 20 मार्क्स पूछाशे। पहले चेप्टर की बात करते पहलू चेप्टर उत्पादन संचालन लक्षणों समझा, उत्पादन संचालन कार्यक्षेत्र समझा, उत्पादकता ना फायदा ने मर्यादा, जॉब और बेच उत्पादन तफावत बहुज इम्पोर्टंट है। उद्योगों की स्थान पसंदगी, उद्योगों की स्थान पसंदगी ने असर करता उत्पादन ने लगता परिबड़ों, उत्पादन स्थान पसंदगी आल्फ्रेड वेबर सिद्धांत और उद्योगों की स्थान पसंदगी आधुनिक वलणों समझा। त्यार पछी एमां तीजू चेप्टर है उत्पादन आयोजन और अंकुश, उत्पादन आयोजन कार्यक्षेत्र, उत्पादन आयोजन महत्व और उत्पादन अंकुश की प्रक्रिया। चेप्टर नंबर 4 की बात करिए तो संपूर्ण गुणवत्ता संचालन, एम संपूर्ण गुणवत्ता संचालन लक्षणों समझा, संपूर्ण गुणवत्ता संचालन की बेच मार्किंग पद्धति समझा, संपूर्ण गुणवत्ता संचालन की सिक्स सिग्मा पद्धति समझा और संपूर्ण गुणवत्ता संचालन की काइजन पद्धति समझा। त्यार पछी प्रवासन संचालन, एम 15% आपने पूछाशे। एम पहली बात करिए तो प्रवासन संचालन प्रकारों समझा, प्रवासन संचालन फायदा समझा और गुजरात सरकार की प्रवासन नीति समझा। बात करिए त्यार पछी विभाग नंबर 4 एनी अंदर अपने केस स्टडी 15 मार्क्स अंदर पूछाशे। हवे तमे जो आ पीडीएफ ने डाउनलॉड करवा मांगता हो तो आ पीडीएफ तमे डिस्क्रिप्शन में आपेली लिंक पर डाउनलॉड कर सको और अपनी टेलिग्राम चैनल साथ तमे जोड़ी सको। आभार।